फ्रेंड्स वेलकम, स्वागत है फ्रेंड्स। इस तरह का छठ पूजा वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जितने भी मटेरियल हमने यूज किए हैं सभी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और PNG में सभी PNG में पासवर्ड लगा हुआ है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और आने वाले वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम आ चुके हैं अपने काइनमास्टर के होम पेज पर। जब आप पहली बार काइनमास्टर को ओपन करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ये वाला काइनमास्टर आपके पास नहीं है, ये वाला चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह का। और यहाँ से हम क्रिएट नाउ पे टच करेंगे और चलिए हम क्रिएट नाउ पे टच करके और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रिएट नाउ लिखा हुआ है प्लस वाले पे, यहाँ पे टच करेंगे और यहाँ से 16 बाय का नोर इशू पहले से सेलेक्ट है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पर टच करेंगे। और यहाँ से हम जितने भी PNG रखे हैं जिस फोल्डर में वहाँ पे हम ओपन कर लेंगे उस फोल्डर को, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम एक ये बैकग्राउंड है छठ पूजा का, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको यहाँ से लेके स्टार्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ से इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे ये यहाँ से, और इसको यहाँ से हम कट कर लिए हैं। अब इसको देखिए इस तरह का ये काम करता है। और यहाँ से हम लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और दोबारा से उसी फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से फ्रेंड यहाँ से हम ये कि PNG है तो इसको यहाँ से लेके इस जगह पे हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फ्रेंड इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद इसकी मास्क को पहले ऑन करेंगे और इसका फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ से इतना तक रखेंगे। और इसका भी लेंथ हम बैकग्राउंड जितना बड़ा कर लेंगे, बैक आके जितना बड़ा हमारा वो छठ पूजा का बैकग्राउंड है उतना बड़ा कर लेंगे। और इसको कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम लेयर पे चलेंगे और मीडिया पे चलेंगे, दोबारा से उसी फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ से हम ये कि PNG ले लेंगे, के ट्री PNG है केले का, तो इसको हम यहाँ से लेके इसको छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से अच्छे से सेट कर लीजिएगा। हम इस जगह पे सेट कर लेते हैं और इसका भी लेंथ हम बैकग्राउंड जितना बड़ा कर लेंगे और इसका थोड़ा हम क्रॉप करेंगे, तो क्रॉपिंग पे जाके और इसकी मास्क को ऑन करेंगे और फिल्टर को अप्लाई करेंगे इतना तक कर लेंगे। और यहाँ से बैक आके फ्रेंड्स इसी को हम 3 डॉट पे दबा के एक डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ से ऊपर में डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो यहाँ से डुप्लीकेट करके इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे और इसी को हम एक और डुप्लीकेट कर लेंगे और इधर को कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये हो चुका है, इसको यहाँ से हम कट करेंगे और लेयर पे चलेंगे और दोबारा से मीडिया पे चलेंगे और उसी फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे जिसमें हमने PNG रखे हुए हैं। और यहाँ से हम ये कि PNG है तो इसको ले लेंगे, इसको छोटा बड़ा करके इस जगह पर हम इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे और इसकी भी मास्क ऑन करके अप्लाई कर देंगे क्रॉपिंग करेंगे तो। और इसका भी लेयर हम बैकग्राउंड जितना बड़ा कर देंगे और ये हो चुका है तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, तो पहले इसको सेट कर लेते हैं कहाँ से हमारा ये सूर्य देव निकल रहे हैं। तो इस वाले PNG पे हम पहले टच करेंगे और यहाँ से हम इस जगह पर रख के और फिर चाबी वाले ऑप्शन पर टच करेंगे और प्लस पर टच कर देंगे और स्टार्टिंग में आके थोड़ा इधर को कर देंगे। ये देखिए इस तरह का काम कर रहा है, ये हो चुका है। अब इसको हम ये दूसरी वाले PNG जो है इसको भी हम ले लेंगे और इसका भी हम चाबी पर टच करेंगे और प्लस वाले पर टच कर देंगे और फिर से स्टार्टिंग में आके थोड़ा इधर को इसको खिसका देंगे। तो इस तरह का हो चुका है, अब यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिए इस तरह का काम करता है, तो इसको भी हम यहाँ से ओके करके और लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और दोबारा से उसी फोल्डर को ओपन करके और ये कि झरना बैकग्राउंड है तो इसको यहाँ से हम सॉरी फ्रेंड्स ये रोटेट नहीं करना है, इसको हम क्रॉपिंग करेंगे। तो यहाँ से हम बैक आके और इसको क्रॉप करेंगे हम, तो इसी पे टच करेंगे। पहले इसका हम लेयर को बड़ा कर लेते हैं बैकग्राउंड जितना और इसका भी हम क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से क्रॉपिंग पे जाके इसकी मास्क को ऑन करेंगे और इसको अच्छे से पहले हम क्रॉप कर लेंगे। इस तरह से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल कोने पकड़ के आप क्रॉप कर सकते हैं, बीच से नहीं होगा फ्रेंड्स, कोना पकड़ेंगे तभी क्रॉप होगा। और ये हमारा PNG पासवर्ड है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम ये हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से बैक आके और इस तरह का इसको रोटेट करके अच्छे से इस जगह पे हम सेट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा, थोड़ा हम इसको रोटेट करके देख लेते हैं और रोटेट करके इसको अच्छे से इस जगह पे हम सेट करेंगे और ये देख लेते हैं, दोबारा से भी सेट करके देख लेते हैं। इस जगह पर अच्छे से हम सेट करना होता है फ्रेंड्स, वो जो ऊपर में हाथ में लोटा है तो उससे जल निकलना चाहिए। और इसको हम देख लेते हैं साइड करके, थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करके अच्छे से हम इसको सेट करेंगे इस जगह पे, इस जगह पे हम सेट करेंगे। और ये हो चुका है तो देख लेते हैं हम,
और दोबारा से फिर इस वाले PNG पर हम टच करके थोड़ा और इसको अच्छे से सेटिंग कर लेंगे और इसको भी झरने वाले जो है इसको भी देख लेते हैं। तो बड़ा छोटा करके आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा और इसको हम यहाँ से एनिमेशन देंगे, तो इसी पे टच करेंगे और एनिमेशन देंगे हम यहाँ से। इसको अच्छे से सेटिंग करने के बाद इसको हम एनिमेशन देंगे, तो ये एनिमेशन है। तो इस पर सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम इस वाले पर देख लेते हैं जिसमें हमारा ये ऊपर से आए ताकि लोटा से जल निकले, ठीक है। और ये है तो देख लेते हैं, तो ये वाला है फ्रेंड्स, तो ये हो चुका है, ओके कर लेते हैं। अब लेयर पे चलेंगे और मीडिया पे चलेंगे और दोबारा से उसी फोल्डर को ओपन करके और यहाँ से हम ये फ़ोटो फ्रेम है तो इसको अच्छे से छोटा बड़ा करके इस जगह पे हम सेट कर देंगे और इसका भी लेंथ हम बैकग्राउंड जितना बड़ा कर देंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो इसको हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इधर को छोड़ा रह गया था, इधर को हम फिर से दोबारा सेटिंग कर लेते हैं और ये हो चुका है। अब इसी को हम 3 डॉट पे दबा के और डुप्लीकेट कर लेंगे और एक इधर को रोटेट करके इस तरफ को सेट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब भी कर लीजिएगा, इस तरह करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और यहाँ से हम एक इमेज पे चलेंगे और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले लेंगे एक, और यहाँ से इसका कलर हम चेंज करेंगे तो ब्लू वाले हम ले लेते हैं, चाहे तो आप अपना फ़ोटो भी ले सकते हैं। अब इसको यहाँ लेंथ हम बढ़ा करके और इसका हम थोड़ा क्रॉप करेंगे, गोल वाले रिस्यू हमारा फ्रेम है तो गोल वाले रिस्यू सेलेक्ट करेंगे, मास्क को ऑन करके और यहाँ पे टच करके गोल वाले रिस्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो चुका है, यहाँ से बैक आके इसको अच्छे से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से हम बैक आके और इस जगह पे अच्छे से फ़ोटो फ्रेम पर सेट करेंगे और इसका भी 3 डॉट पर दबा के और सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे और इसका हम फिर से 3 डॉट पर दबा के इसका पहले अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं, इस तरह का सेट कर लेंगे और यहाँ से फिर से 3 डॉट पे दबा के डुप्लीकेट कर लेंगे और एक दूसरे वाले फ्रेम जो हमारा बचा हुआ था इस पर सेट करके इसको भी सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे। दो बार करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा, ये हो गया है, ये सेटिंग हो चुका है। अब दोबारा से हम लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और उसी फोल्डर को ओपन कर लेंगे और यहाँ से एक ये दीपक GF है तो इसको हम ले लिए हैं। अब इसको ब्लेडिंग पे जाके और स्किन कर देंगे, तो स्किन करने के बाद फ्रेंड्स इसको बैक आके और थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। क्रॉपिंग पे आके इसका मास्क को ऑन कर देंगे और फिल्टर को अप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया है। अब इसको अच्छे से बैक आके और इस दीपक पे हम सेट कर देंगे, ये दीपक हमारा ज्योति जो जल रहा है इसका डुप्लीकेट करके एक इधर को सेट कर देंगे और ये हमारा हो चुका है। स्टार्टिंग में आके फिर से लेयर पे, मीडिया पे और दोबारा से उसी फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ से एक ये PNG है, तो इस PNG को पूजा वाला PNG है तो इसको इस जगह पे हम सेट करेंगे और इसका भी लेयर हम बैकग्राउंड जितना बड़ा कर लेंगे और फिर से इसको कट करके दोबारा से लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और यहाँ से फिर दोबारा उसी फोल्डर को ओपन करके ये कि एक कलश PNG है इसको भी ले लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह का अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये हमारा हो चुका है, वीडियो बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड, तो इसका लेंथ हम बड़ा कर देंगे और ये हमारा PNG पासवर्ड है, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। स्केले वाले PNG को थोड़ा कर लेते हैं और ये देखिए हमारा सेट हो चुका है। यहाँ से चाहे तो आप म्यूजिक भी ले सकते हैं, वैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक है, तो चलिए हम प्ले करके दिखाते हैं आपको वीडियो। देख लिए फ्रेंड्स किस तरह का वीडियो, परफेक्ट छठ पूजा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से हम इसको शेयर करके सेव कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।